हेलो गाइस, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की तारीख हो चुकी है 23 अगस्त 2021। आप लोगों को हम कुछ वीडियो दिखाएंगे 22 अगस्त 2021, क्योंकि 22 अगस्त को जो है रक्षाबंधन मनाया गया। घर पर हमारी सिस्टर और बुआ जी और काफ़ी लोग आए हुए थे। सभी लोगों ने मिलकर जो है रक्षाबंधन को सेलिब्रेट किया है, किस तरीके से मनाया है, और घर हम नहीं जा पाए थे इसलिए हमारी वीडियोज़ जो हैं व्हाट्सएप के थ्रू आ चुकी हैं, उनको दिखाएंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये हमारा पर्सनल व्लॉगिंग का यूट्यूब चैनल है, इस पर हमारी डेली व्लॉगिंग आएगी। जो भी हम काम करेंगे रेगुलर आप लोगों को केवल इस पर व्लॉगिंग ही मिलेगी। कहीं भी हम टहलेंगे, घूमेंगे, मस्ती करेंगे, सारा सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। जितने भी दोस्त हमारे आएंगे हमारे से मिलने, सबको इसी पर हम कवर करके दिखाएंगे। हमारा जो अन्य मतलब यानी कि हमारे पास टोटल 4 चैनल हैं यूट्यूब चैनल, उसमें से जो हमारे 3 हैं 2 पेंटिंग के हैं, एक हमारा उस पर ट्रेन ब्लॉगिंग का था, ठीक है। फिर हमने ब्लॉग डालना स्टार्ट किया उस पर, तो इस तरीके से हो गए मिक्स। तो फिलहाल हमने सोचा क्यों ना हम उसको सेपरेट ही कर देते हैं, पर्सनल ब्लॉगिंग जो है एक पर करना चाहिए और जो ट्रेन की वीडियोज़ हैं वो दूसरे वाले चैनल पर हमारे रहेंगे। आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रियल लाइफ अपनी, हम दिखाएंगे जो भी करते हैं सारा सब कुछ दिखाएंगे। फिलहाल आप लोगों को बताना चाहेंगे, फिलहाल अभी के लिए इस समय हमारे पास में यहाँ पर जो भी रूम दिखाई पड़ रहे हैं देख सकते हैं साइड में, ये सब लॉक हैं, क्योंकि हम बाहर रहते हैं, रहने वाले हैं हम हरगांव के। हरगांव में कहाँ रहते हैं किसी और वीडियो में देखने को मिलेगा, आप लोगों को बताना चाहेंगे। फिलहाल आप लोगों को बता दें, मेरा नाम है संदीप कुमार, मैं सीतापुर में रहता हूँ और मेरा मूल निवास यानी कि घर जो है हरगांव ब्लॉक है, वहाँ पर है। और उसके बाद हम बताएंगे हरगांव में कहां पर रहते हैं, ठीक है। और हरगांव के भी बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, आप उनको बताना चाहेंगे। जैसे वहां पर सूर्यकुंड तीर्थ है, ठीक है, यानी कि तीर्थ बना हुआ है, फेमस है, और हरगांव मिल भी है, हरगांव अल्कोहल मिल है, ये सारी चीज़ें हमारे हरगांव में पड़ती हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को ये सारी चीज़ें कवर करके दिखाएंगे ब्लॉगिंग के माध्यम से, इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। सीतापुर के जो भी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी उनको जल्द से जल्द कवर करके सारी चीज़ें आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से दिखाई जाएंगी। तो फिलहाल आज का वीडियो एंजॉय करिएगा, जैसा भी रहे हमारा पहला व्लॉग है, ये फर्स्ट व्लॉग रहेगा, ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल का नाम है संदीप रियल लाइफ, क्योंकि हम रियल लाइफ में जो भी अपना करेंगे डेट वाइज आप लोगों को देखने को मिलेगा और हमारी ऐसे चलेंगी रिकॉर्डिंग। देखिएगा, जैसे मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके नेक्स्ट अगले दिन आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से टाइम टेबल आप लोगों को बता दें, शेड्यूल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे जो है आप लोगों को हमारे व्लॉग डेली देखने को मिलेंगे। अभी फ़िलहाल आप लोगों को लोकेशन मैं दिखा देता हूँ, सीतापुर में जहाँ पर रहते हैं साइड में है रेलवे लाइन, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेन अभी हॉर्न मार रही है, ट्रेन अभी आ रही है। आप लोगों को दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ से सीन जो है दिखाई पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं गांव में किस तरीके से जो है रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है। और 2021 में रक्षाबंधन त्यौहार जो है 22 अगस्त 2021 को पड़ा था, दिन था रविवार। तो हमारे घर में किस तरीके से रक्षाबंधन त्यौहार मनाया गया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं परिचय करा देना चाहता हूँ। तो सामने जो बैठे हुए हैं ये हमारे पूज्य पिताजी हैं और उनकी बहन हमारी यानी अर्थात बुआ जी हैं। तो बहन अपने भाई के राखी बांध रही हैं, यानी कि यहाँ पर रक्षाबंधन त्यौहार जब आया था इसलिए हमने सोचा कि ना हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं किस तरीके से बहन अपने भाई को राखी बांधती हैं, या हमारे उत्तर भारत में किस तरीके से रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है आप लोगों को दिखाना चाहेंगे गांव का कल्चर। और वैसे भी आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अब हमारे चैनल पर जो है डेली व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड होंगी और डेली व्लॉगिंग में सारा सब कुछ सीन दिखाया जाएगा। गांव में पहुंचेंगे तो गांव का सीन दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारा सीन जो है कवर कर करके आप लोगों को दिखाया जाएगा और उत्तर भारत का कल्चर, उत्तर भारत की वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब हमारी बुआ जी फिर से आ चुकी हैं, ये बुआ जी हमारी हैं, हमारे गोला की रहने वाली हैं। तो ये पहली बार रक्षाबंधन त्यौहार के रूप में हमारे घर पर इस बार रही थी, तो शामिल हुई, तो इसलिए वीडियो के माध्यम से जो है कैप्चर किया गया है सीन को और ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जा रहा है। अब हमारे मंझले वाले चाचा आ चुके हैं इस समय, ठीक है। तो बुआ जी जो हैं राखी बांध रही हैं, तो ये गोला से हमारे यहाँ पर आई हुई थी, यानी काफ़ी दिन हो गए थे
हम पहली बार गोला एक बार गए थे 2015 में, तो 2015 की कुछ वीडियोस आगे चलकर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसमें ये सभी लोग हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम पहली बार गए थे गोला, रिलेशन बहुत ही पुराना है लेकिन जाने को मौका नहीं मिला छोटे पर, तो वो सौभाग्य दिन आया था 2015 में, तो उसमें जाने का मौका मिला था। तो किस कारणवश हम गए थे वो भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा आगे चलकर। और हमारे मंझले वाले चाचा ही हैं, पिछली बार थे बिना शर्ट के, मतलब पिछली क्लिप में आपने देखा था, इस बार हैं शर्ट में। तो चलिए आप लोगों को, ये बुआ जी हैं हमारी, ठीक है। तो बुआ जी अपने भाई को राखी बांध रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से राखी बांधी जाती है, राखी बांधने के बाद कुछ मीठा खिलाया जाता है, और भाई की श्रद्धा जो भी हो, गिफ्ट देना चाहें, पैसे देना चाहें, जो भी देना चाहें वो अपनी बहन को दे सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं चाचा जो हैं कुछ रुपए दे रहे हैं और फिर आशीर्वाद लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले स्टेप में आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, हमारे ये भैया हैं, बड़े भाई हमारे, ठीक है। और हमारी बुआ जी जो हैं बांध रही हैं राखी, और ये फ्रंट में जो अभी रचना लगा रही हैं ये हमारी दीदी हैं, यानी हमारी मौसी की बड़ी वाली बिटिया हैं, ठीक है। तो हमारी दीदी हुई, तो दीदी जो हैं आई हुई थी घर पर और हम नहीं जा पाए, तो फिलहाल मिस किए बहुत ज़्यादा सभी लोगों को, कि घर पर सभी लोगों को जो है रक्षाबंधन में शामिल होने का मौका मिला, सभी लोग एक साथ थे और हम नहीं थे, बहुत बुरा लगा। हमको जाना चाहिए था लेकिन हमारे पास कुछ मजबूरियां थीं जिस वजह से हम घर पर नहीं जा पाए। और फिलहाल घर पर नैतिक, रोहिणी, सभी लोगों ने मिलकर वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड कर लिया है, तो फिलहाल देखने को मिल गया किस तरीके से रक्षाबंधन त्यौहार जो है हमारे घर पर मनाया गया, और सभी लोग देख सकते हैं अच्छे से रक्षाबंधन त्यौहार घर पर मना रहे हैं, ठीक है। तो भाई, बुआ जी और सभी लोग इस समय थे, और छोटी सी बिटिया अभी आई, अभी हमारे साथ हैं नैतिक, यानी हमारा भतीजा है ये, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं हमारी दीदी जो हैं इनके रचना लगा रही हैं और राखी बांध रही हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। नैतिक भी शामिल हुए, नैतिक की भी वीडियो एक और दिखाएंगे, आप लोगों को मिली है हमें घर से तो भी दिखाई जाएगी। अभी ये कनक आ चुकी हैं फ्रंट में, छोटी सी सिस्टर हैं, और अभी कनक जो हैं बांध रही हैं राखी इस तरीके से। तो कनक सीख भी रही हैं किस तरीके से बांधना है, अब सीख गई हैं काफ़ी, अब बांध लेती हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड भी कर लिया गया है बिना ट्राइपॉड के, हमको बहुत ही अच्छा लगा, और सारा सीन रिकॉर्ड किया गया है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे, हमारा छोटा भाई भी आएगा, अब हमारी सिस्टर, ये बड़ी वाली सिस्टर है, मतलब हमसे छोटी हैं, इनका नाम है लकी, तो स्कूल का नाम है उपासना। ये अब भाई अर्थात हमारे बड़े भैया को जो है रचना लगा रही हैं, राखी बांधने जा रही हैं, ठीक है इस तरीके से। और भैया ने सभी को गिफ्ट में कुछ दिया है, हमें पैकेट में नहीं पता, शायद चॉकलेट है या क्या है, हमें नहीं पता है क्या था उसमें, लेकिन एक अभी पैकेट गिफ्ट के रूप में दिया है सभी को। ये ऐसे ही हमारे गांव में कल्चर जो भी होता है, देख सकते हैं भैया ने गिफ्ट दिया और आशीर्वाद लिया सभी का इस तरीके से। घुल मिलकर जो त्यौहार मनाया जाता है उसमें आनंद कुछ और ही होता है। सभी लोग अब एक दो लोग मिलकर परिवार में सहभागिता होनी चाहिए, यानी सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। और रक्षाबंधन त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, अगर एक समुदाय, समाज, परिवार जो भी है अपना, ठीक, उसमें घुल मिलकर, ठीक है, निस्वार्थ भावना के और अच्छे से अगर पर्व को मनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर दो पर दो किसी भी त्यौहार को मना लो, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता है। सभी लोग एक साथ जब होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हमारा छोटा भाई आ चुका है, सबसे छोटा वाला, इसका नाम है मुनेन, ठीक है। तो अभी कनक जो हैं देख सकते हैं राखी बांध चुकी हैं और कुछ मीठा खिला के जो हैं अब आशीर्वाद दे दिए हैं। अब आ गई हैं लकी, अब लकी जो हैं
रचना लगाएंगी और राखी बांधेंगी, आगे की प्रोसेस जो भी होती है वो करेंगी। ठीक है, इस तरीके से कनक जाके पीछे खड़ी होगी, देख सकते हैं। और ये कनक, तो घर पर जाते हैं बच्चे जो हैं हमारे साथ ही रहते हैं ज़्यादातर, और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है हमें बच्चों के बीच में खेलना। और वैसे भी हमको छोटे बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है, गांव में जाते हैं छोटे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो में आने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। और कुछ वीडियोस हमने गांव की रिकॉर्ड की, अभी जब आम का सीज़न था तब घर पर गए थे, बागों में घूमे थे और बाहर भी मस्ती की थी। हमारे गाँव के पड़ोस में ही एक शारदा नहर की शाखा है, वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी बहुत सारी मस्ती की। तो वीडियो हम बनाए हैं, लेकिन अभी हम डालेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, तारीख वाइज बता देंगे कब हम घर गए थे और कब हमने वीडियो को रिकॉर्ड किया था। वीडियो क्लिप वैसे ही रखी हुई हैं और हमने डिलीट नहीं की क्योंकि वो हमारी यादें हैं, तो इसलिए हम उन यादों को खोना नहीं चाहते हैं। जितनी भी यादें हो जाएं वो कम ही होती हैं, यानी जीवन को जितना भी संरक्षित कर पाएँ आगे देखने के लिए, आगे भविष्य में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी पर्पज़ से हम कोशिश करते हैं कि गांव के कल्चर भी देख पाएंगे आप लोग और गांव में किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, जैसे हमें दक्षिण का देखना है तो दक्षिण के जो ब्लॉगर लोग हैं अपनी लाइफ को शेयर करते हैं, तो घर बैठे हम देख लेते हैं कि वहां का कल्चर क्या है, ठीक, वहां पर रहन सहन कैसा है, सारा सब कुछ देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया के लोग भी अपना ब्लॉगिंग करते हैं और दिखाते हैं सारा सीन, और किस तरीके से रक्षाबंधन त्यौहार या अन्य त्यौहार जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो दक्षिण के लोग भी देख पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे घर में रक्षाबंधन त्यौहार मनाया गया। अब हमारा भतीजा आ चुका है, यानी नैतिक, और नैतिक के राखी जो है बुआ जी बांध रही हैं इस तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धीरे धीरे आप लोगों को रेगुलर जो ब्लॉग के इम्प्रूवमेंट है वो मिलेगी और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा वीडियो बन पाए और आप लोगों को अच्छे से अच्छा मैटर का वीडियो हम दे पाएँ और हमारी डेली की लाइफ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर होगी। जो भी काम करेंगे आप लोगों को दिखाया जाएगा, तो वीडियो को जो है अंत तक देखा करें, उसमें सारा सब कुछ दिखाया जाएगा। सीतापुर में कहाँ रहते हैं, कैसे क्या क्या काम करते हैं और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा। और आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।